रविवार को नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रखंड गोरखपुर द्वारा खूनीपुर चौक पर साहबगंज सब्जी मंडी में पॉलीथीन का उपयोग बंद करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिटी मजिस्ट्रेट विवेक कुमार श्रीवास्तव ने फुटकर और थोक दुकानदारों को और सामान खरीद रहे लोगों को चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी नागरिक सुरक्षा कोर के सौजन्य से झोला व जागरूकता संबंधी पंपलेट वितरित किया गया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट और वार्डनों द्वारा नागरिकों को पॉलीथीन के उपयोग से होने वाली हानि के बारे में समझाया गया और झोले को उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि पॉलीथीन प्रतिबंधित कर दिया गया है और आप लोग अपने नगर को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए पॉलीथीन उन्मूलन में हमारा सहयोग करें। चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी, मुख्य अवैधानिक स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर शरद श्रीवास्तव, वरिष्ठ समाज सेवी भगवती संतोष श्रीवास्तव, डिवीजन वार्डन प्रखंड कोतवाली जितेंद्र देव, आदर्श आनंद, सुरेश कुमार सहित अनेक वार्डन उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए थोक व्यापारी हरि नारायण जालन, थोक और फुटकर विक्रेता विकास जालन तथा सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव ने कहा। पीछे एक बार फोटो खींच इधर आना। अब सबसे कहीं अपना इधर क्या लगे खरदार के घरों इधर दे दे ये लेके हमारे लेने हैं जी दे दे क्लास नहीं आपका ये फाइबर का दे दे आप इंटरनेट देखिए कागज वाले आते हैं, आप तो कागज वाले भी आ गए हैं, लकड़ी वाले भी आ गए हैं, लकड़ी वाले भी आ गए हैं, पत्ते वाले आ गए हैं, यूज कराइए, दिखाओ लकड़ी वाला, ये लकड़ी की चीज आ गई, हां ये लकड़ी, इसकी प्लेट भी आ गई, देखिए बड़ी लगी ऊपर लकड़ी वाली, अरे मट्टी का भी हमने रिसर्च किया है, डिफरेंस है, डिफरेंस तो है बेटा, डिफरेंस जो हमने छोड़ने का पता है, ये तो सबसे बड़ी चीज है यार, जो ले रहा वो ले गए, हां अरे मट्टी का नहीं जो है पत्ते वाला जो पहले चल रहा था वो पत्ते वाले डिमांड है का किसी को पन्नी दीजिएगा भी मत ऐसा झोले में सबको काफी किताब है वो वाला पन्नी में रखिए झोला झोला ये इसमें रख दिया आप सही रखेंगे ऐसा नहीं आप ठीक है जो ले जो सब्जी लेने आ रहा हूँ नहीं है तो आप इसका पैसा ले लीजिए अपना बनवा लेकिन आप उसी तरीके का कौन है अरे रुक जाओ यार अरे दुकान किसकी भाई आवाज जिसका भी है आके इसको खाली करो कितनी जागरूकता आई है लोगों में 100% जागरूकता आई है जनता और जितने भी बनाने वाले हैं बेचने वाले हैं ये सब सरकार के साथ हैं और हर आदमी चाहता है कि पॉलीथीन बंद हो और पॉलीथीन के प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता है और कस्टमर अब पॉलीथीन मांगता भी नहीं है लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में आ गया है इसलिए कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है पॉलीथीन का हर आदमी स्वागत कर रहा है और स्वागत योग्य निर्णय है सरकार ने जो भी कदम उठाया है स्वागत योग्य है देखिए गिलास का निर्णय बंद करने का निर्णय सरकार का उसका भी हम स्वागत करते हैं लेकिन इस निर्णय को लेने के पहले सरकार को ये विचार करना चाहिए कि तत्काल प्रभाव से इसको इन्होंने रोक दिया है व्यापारी के पास भी स्टॉक में माल है फैक्ट्रियाँ भी लगी हुई हैं उनके पास भी स्टॉक में माल है तो पहली बात तो ये कि इसके लिए कम से कम साल भर का समय देना चाहिए जिससे कि आदमी अपने स्टॉक को खाली कर ले और एक मानक जैसे इन्होंने पन्नी में तय किया कि भाई 50 माइक्रोन से ऊपर की पन्नी बिकेगी तो गिलास में भी एक मानक तय होना चाहिए निश्चित रूप से कि इस माइक्रोन के ऊपर का गिलास बाज़ार में बिकेगा। अच्छा गिलास में एक सबसे बड़ी बात क्या है आप कहीं भी देखिए गिलास आपको कहीं सड़क पर फेंका हुआ नहीं मिलेगा गिलास रिसाइकलेबल है और ये तुरंत वापस रिसाइकल हो जाता है छोटी चाय वाली जो गिलास होती है हाँ उसमें बैन लगाओ क्या दिक्कत है पेपर का उसका सब्स्टिट्यूट है पेपर का गिलास 50% 70% लोग पेपर के गिलास पे आ गए हैं उस गिलास की कोई आवश्यकता नहीं उसमें बैन लगना चाहिए तुरंत बैन लगना चाहिए और एक मानक तय होना चाहिए कि इसके नीचे का माल इससे नीचे का गिलास नहीं बनेगा न बिकेगा। विकास जलान विकास जी आप तो जागरूक है
देखिए, जब से पॉलीथीन का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है, लोग तो हम लोग के भरोसे हैं कि क्या नाम है, हम लोग जाएंगे वहाँ सामान हम लोगों को मिल ही जाएगा। तो हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग अब पॉलीथीन का प्रयोग बंद हो चुका है, घर से झोला लेके आएँ। और हम लोग एक सूती कपड़े का मतलब एक थैला बनाए हुए हैं, सूती कपड़े का थैला बनाए हुए हैं। इस थैले में अभी हम लोग सामान दे रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि भैया पॉलीथीन का प्रयोग अब बंद हो गया है, आप लोग झोला का प्रयोग कीजिए, झोले में ही सामान मिले। हमारे यहाँ थोक फुटकर दोनों का काम होता है, फुटकर के दुकानदार ज़्यादा आते हैं तो उन लोगों को जो छोटे छोटे सामान होते हैं वो देने में कठिनाई शुरू में तो हुई थी, लेकिन अब सूती कपड़े का ये झोला बन गया है तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जैसा कि आप सब लोग को पता है, शासन द्वारा निर्णय लिया गया था कि 50 माइक्रोन से कम की पन्नी का उपयोग नहीं किया जाएगा, और उसी अभियान के तहत, उसी जागरूकता के तहत हम लोग इस समय साहबगंज सब्जी मंडी में हैं। और इससे पहले अभी थोड़ी देर सब्जी बाहर गल्ला मंडी में भी थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने लोगों को अवेयर किया है, दुकानदारों को और जो वहाँ पर सामान ले रहे थे उन्हें भी, कि पन्नी का प्रयोग ना करें। आप ये जो हल्की सी कागज़ या कपड़े वाली पन्नी आती है, इस तरीके का पन्नी का प्रयोग करें या अपना झोला स्वयं लेके चलें। जो पन्नी है, चूँकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, लॉन्ग टर्म में वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। तो ऐसी दशा में आप सबसे यही अपेक्षा है कि पन्नी का प्रयोग ना करें, अपना झोला साथ लेके चलें।